चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में वोट डाले जाएंगे। वोटों की मतगणना 11 मार्च को शुरू होगी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जिसके लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो यहां 430 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों के लिए 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए 15 फरवरी को मतदान होगा। तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों के लिए 19 फरवरी को, चौथे चरण में 12 जिलों की 53 सीटों के लिए 23 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं पांचवें चरण में 11 जिलों की 52 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान किया जाएगा। छठे चरण में 7 जिलों की 49 सीटों के लिए 4 मार्च और सातवें चरण के लिए 7 जिलों की 40 सीटों के लिए 8 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव एक चरण में होंगे। गोवा की 40 विधानसभा सीटों और पंजाब की 117 सीटों के लिए सबसे पहले 4 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए 15 फरवरी को मतदान होगा। बात करें नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर की, तो यहां 2 चरणों में मतदान होगा। यहां पहले चरण में 38 सीटों के लिए 4 मार्च को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 8 मार्च को 22 सीटों के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दें कि इन 5 राज्यों में इस बार 16 करोड़ लोग वोट करेंगे। साथ ही चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम की बात कही गई है। और अगर कोई भी राजनीतिक दल चुनावी चंदा लेता है तो 20,000 से ज्यादा के चंदे, यानी कि 20,000 तक के चंदे को चेक के द्वारा ही लिया जा सकता है। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और चुनावों का ऐलान हो गया। अब राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाने का मौका होगा और नोटबंदी के बाद किसको क्या फायदा होता है ये देखना बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।